तो आज की हमारी वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें टीचर जुई पूरे क्लास को तांग सैन एंड गॉड सोल्डरिंग और साथ ही साथ डीप सी डेविल वेलकिंग के बारे में बताने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए हमारी नोवेल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एडवांसमेंट टेस्ट कैंसिल हो गया है। इसकी वजह से सभी क्लास वन एंड क्लास टू के स्टूडेंट उनके रिस्पेक्टिव क्लासेस में लेक्चर अटेंड करने के लिए गए हैं। फिर उसके बाद हमारा सीन टीचर जुई एंड युहाओ की तरफ आता है, जहाँ पर टीचर जुई युहाओ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही थी। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है टीचर जुई को हेडमास्टर यान ने उनके ऑफिस में बुलाया है, क्योंकि उनके ऑफिस में अब मार्शल सोल डिपार्टमेंट की मीटिंग स्टार्ट हो गई है। फिर उसके अगले सीन में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर जुई क्लास वन के सभी स्टूडेंट से कहती है एडवांसमेंट टेस्ट को 2 डेज के लिए कर दिया है। इसकी वजह से तुम इस 2 दिनों में और भी ज्यादा प्रैक्टिस करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लो, क्योंकि सोल बीस्ट के साथ तुम्हारी फाइट इतनी ज्यादा सिंपल नहीं होने वाली। फिर टीचर जुई आगे कहती है आप सभी ने युहाओ की एंड वाइन स्प्रिट उल्फ की बैटल तो देखी है, आपको युहाओ के एंड वाइन स्प्रिट उल्फ की बैटल से ये तो समझ आ गया होगा कि सोल बीस्ट इमोशनलेस होते है। फिर टीचर जुई आगे कहती है कोई भी सोल भी किसी इंसान को देखता है तब उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से सोल बीस्ट इंसानों पर हमला कर देते हैं। फिर टीचर जो ये आगे कहती है अगर तुम्हें किसी भी सोल बीस्ट के साथ फाइट करनी है तो तुम्हें सबसे पहले अपने माइंड को शांत करना होगा बैटल के टाइम पर, अगर तुम जरा सा भी डर गए तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे डर की वजह से तुम्हारी कॉम्बैक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम हो सकती है, इसकी वजह से तुम्हें बैटल के टाइम पर अपने माइंड को जितना हो सके उतना शांत रखना होगा। फिर टीचर जुई सभी स्टूडेंट से कहती है जब वाइन स्प्रिट उल्फ तुम सबके सामने बैटल अरेना के अंदर अपीयर हुआ था तब क्या तुम सब डर गए थे? टीचर जुई के बात सुनकर क्लास में बैठे काफी ज्यादा स्टूडेंट अपना सर शर्म के मारे नीचे करते है। टीचर जुई इन सभी स्टूडेंट्स को देख कर कहती है तुम सभी कमजोर नहीं हो, पर तुम वाइन स्प्रिट उल्फ को देखकर इसलिए घबराए क्योंकि तुम्हें सोल बीस्ट के साथ फाइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। फिर टीचर जो आगे कहती है जब कभी तुम अपने क्लासमेट के साथ फाइट करते हो तब क्या तुम उससे डरते हो या नहीं? फिर टीचर जो कहती है तुम अपने क्लासमेट के साथ फाइट करते टाइम उससे डरते नहीं हो क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा क्लासमेट तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। फिर टीचर जो आगे कहती है तुम सबको ये बात अच्छे से अपने माइंड में डालनी चाहिए कि कोई भी सोल भी किसी सोल मास्टर से ज्यादा पावरफुल नहीं होता। हम ह्यूमन बींग्स काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं, पर सोल भी ह्यूमन के कंपेरेटिव इंटेलिजेंस के मामले में काफी ज्यादा लो होते हैं। सोल भी किसी भी इंसान को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। फिर टीचर जो आगे कहती है अगर तुम्हें सोल भी के साथ फाइटिंग का एक्सपीरियंस आ गया तब तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा कि कोई भी सोल मास्टर किसी भी सोल भी को आसानी से हरा सकता है, क्योंकि सोल मास्टर के पास डिफरेंट एबिलिटीज होती है और सोल मास्टर बैटल के टाइम पर अपनी माइंड की हेल्प से नए नए अटैक्स परफॉर्म कर सकता है और साथ ही साथ नए ट्रिक्स बैटल के दौरान यूज कर सकता है, जिसकी वजह से किसी भी सोल मास्टर के पास हमेशा सोल बीस्ट के खिलाफ एक अपर हैंड होता है। फिर टीचर जो आगे कहती है एडवांसमेंट टेस्ट तुम्हारी काबिलियत को चेक करता है कि तुम इस श्रेक एकेडमी में रहने के लायक हो या नहीं। एक तरह से एडवांसमेंट टेस्ट तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करता है कि तुम श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट बने रहोगे या नहीं। फिर टीचर जुई युहाओ को उनके पास बुलाती है। फिर टीचर जुई सभी स्टूडेंट से कहती है तुम सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, अब युहाओ उसकी एबिलिटी का यूज करने वाला है जिसकी वजह से युहाओ की सोल्डरिंग का कलर और उसका ऑरा चेंज हो जाएगा, पर तुम सब लोग युहाओ की बॉडी से निकलने वाले प्रेशर से बचने के लिए अपनी मार्शल सोल को बाहर नहीं निकालोगे, चाहे युहाओ के बॉडी से कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर क्यों
ना आए, तुम सबको शांत रहना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है युहाव अपनी फर्स्ट मार्शल सोल को समन करता है, जिसकी वजह से हमें युहाव की आंखों में गोल्डन लाइट को इमिट होता देख पाते है। फिर उसके बाद युहाव के बॉडी से टू व्हाइट सोल रिंग धीरे धीरे बाहर आने लगती है। फिर हमें टीचर जुई को दिखाया जाता है, जो युहाव से कहती है, युहाव क्या तुम अपने क्लासमेट्स की हेल्प करना चाहते हो? फिर टीचर जुई आगे युहाव से कहती है, युहाव अगर तुमने इस प्रोसेस को जारी रखा तो तुम्हारी एबिलिटी के बारे में सबको पता चल जाएगा, क्या तुम सबके सामने इसका यूज करना चाहते हो? उसके बाद हमें युहाव को दिखाया जाता है, जो किसी भी बात की परवाह किए बगैर टीचर जुई से कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ। फिर युहाव आगे कहता है, मैं इस क्लास का लीडर हूँ, जिसकी वजह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपनी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स है उनको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है युहाव धीरे धीरे अपनी सोल्डरिंग का कलर चेंज करने लगता है, जहाँ पर युहाव की व्हाइट सोल्डरिंग अब पूरी तरह से येलो कलर की सोल्डरिंग में कन्वर्ट हो गई थी। क्लास में बैठे सभी स्टूडेंट्स जब युहाव की सोल्डरिंग का कलर चेंज हुआ देखते है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते है। युहाव की ये स्किल देख कर सभी स्टूडेंट्स कहते है, युहाव की स्किल तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। फिर उसके बाद हमें टीचर जुई को दिखाया जाता है, जो कहती है, युहाव ने जो सबसे पहली व्हाइट सोल्डरिंग को समन किया था वो 10 ईयर की सोल्डरिंग है, जो कि सोल्डरिंग के रैंकिंग में सबसे ज्यादा लोएस्ट है। फिर टीचर जुई आगे कहती है, अब युहाव ने अपनी सोल्डरिंग का कलर व्हाइट से येल्लो कर दिया है, जो कि एक 100 ईयर की सोल्डरिंग है। फिर टीचर जुई आगे कहती है, किसी भी सोल बीस्ट में काफी ज्यादा सोल पावर होती है, जो कि उनको कई सालों की कल्टीवेशन के बाद मिलती है। जिस सोल बीस्ट की जितनी ज्यादा कल्टीवेशन होगी उसके अंदर सोल पावर उतनी ही ज्यादा होगी। अगर कोई सोल मास्टर उस सोल बीस्ट को मार देता है तब उस सोल बीस्ट के अंदर से सोल रिंग बाहर आती है। अगर किसी सोल बीस्ट के अंदर से व्हाइट सोल रिंग बाहर आई, इसका मतलब उस सोल बीस्ट के अंदर काफी ज्यादा कम सोल पावर थी। फिर उसके बाद हमें युहाव को दिखाया जाता है, जो अपनी येलो कलर की सोल रिंग का कलर चेंज करके अब पर्पल कलर में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है युहाव की दोनों ही येलो कलर की सोल रिंग अब 1000 ईयर की पर्पल कलर की सोल रिंग में कन्वर्ट हो गई थी, जिसकी वजह से युहाव की बॉडी से अब काफी ज्यादा प्रेशर बाहर आने लगा था। जब सभी स्टूडेंट्स युहाव की बॉडी से निकलने वाले प्रेशर को फील करते हैं तब सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके क्लास में सिर्फ वांग डोंग ही ऐसी है जिसके पास 2000 ईयर की सोल रिंग है। फिर उसके बाद हमारा सीन युहाव की तरफ आता है, जो कहता है, आप सभी लोग शांत हो जाओ और मुझे ध्यान से देखो। फिर उसके बाद युहाव अपनी सोल रिंग का कलर एक बार फिर से चेंज करता है, जिसकी वजह से युहाव के बॉडी से काफी ज्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर रिलीज होने लगता है, क्योंकि युहाव की दोनों ही सोल रिंग अब इस टाइम पर 10,000 ईयर की सोल रिंग में कन्वर्ट हो गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है युहाव के बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा था। युहाव ने इस टाइम पर अपनी आई जेड एम्परस स्कॉर्पियन की ऑरा का इस्तेमाल किया था। फिर हमें दिखाया जाता है क्लास में जितने भी वीक स्टूडेंट्स थे उनके बॉडी से अचानक उनकी सोल रिंग्स बाहर आती है। ये सब कुछ युहाव के बॉडी से निकलने वाली 2 ब्लैक कलर की सोल रिंग की प्रेशर की वजह से हुआ था। फिर हमें टीचर जोई को दिखाया जाता है, जो सभी स्टूडेंट से कहती है, अगर तुम्हें किसी भी 10,000 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट के साथ फाइट करनी है तब तुम्हारे पास एटलीस्ट 6 सोल रिंग होनी चाहिए। अगर तुम किसी 30,000 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट के साथ फाइट कर रहे हो तब तुम्हारे पास एटलीस्ट 7 सोल रिंग्स तो होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास 7 सोल रिंग हुई तब तुम बैटल के दौरान अपनी मार्शल सोल बॉडी को समन कर सकते हो। फिर टीचर आगे कहती है, सोल मास्टर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं अगर वो उनके सेम लेवल वाले सोल बीस्ट के साथ फाइट करते हैं तब। उसके बाद टीचर जुई आगे कहती है, पर हमारे दावलो कॉन्टिनेंट में एक ऐसा भी पर्सन हुआ था जो कि अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल बीस्ट को हराने की पावर रखता था। फिर टीचर जुई आगे कहती है, मैं जिस पर्सन की बात कर रही हूँ वो पर्सन श्रेक 7 डेविल्स के फर्स्ट जनरेशन से आता है। मैं जिस पर्सन
पर्सन की बात कर रही हूँ। वो पर्सन तांग्स क्लैन का फाउंडर है, जिसका नाम है असुरा गॉड तांगसेन। फिर टीचर आगे कहती है, असुरा गॉड तांगसेन ने उसके टाइम पर उससे भी ज्यादा हाई लेवल कल्टिवेशन वाले सोल बीस्ट को हराया था। फिर टीचर जो आगे कहती है, अगर किसी सोल बीस्ट की कल्टिवेशन 1,00,000 साल से भी ज्यादा है तो उस टाइम पर कोई भी टाइटल दाव लो उसे अकेले नहीं हरा सकता, क्योंकि कोई भी सोल बीस्ट अगर 1,00,000 साल से भी ज्यादा कल्टिवेट करता है तब उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर टीचर जो आगे कहती है, तुम सभी 1,00,000 ईयर के सोल बीस्ट को किसी लेवल 95 के टाइटल दावलो से कंपेयर कर सकते हो। फिर उसके बाद टीचर जुई आगे कहती है, कोई भी सोल बीट जिसकी कल्टीवेशन 1,00,000 ईयर से ज्यादा हुई तो वो सोल बीट एक सोल बोन को प्रोड्यूस करता है, और लेवल 1,00,000 का सोल बीट किसी भी सोल मास्टर के लिए ट्रेजर से कम नहीं है। फिर टीचर जुई आगे कहती है, किसी भी 1,00,000 ईयर की सोल बीट की पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए सोल मास्टर की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर उसके बाद टीचर जुई जुसांसी से कहती है, टाइटल दावलो सोल मास्टर के पास कितनी सोल रिंग्स होती है। उसके जवाब में जुसांसी कहता है, टाइटल दावलो सोल मास्टर के पास 9 सोल रिंग्स होती है। फिर उसके बाद हमें टीचर जुई को दिखाया जाता है, जो कहती है, तुमने सही कहा, टाइटल दावलो के पास 9 सोल रिंग्स होती है। फिर उसके बाद टीचर जुई बड़े ही लो आवाज में सभी स्टूडेंट से कहती है, मैं तुम्हें अब दावलो कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। फिर टीचर जुई आगे कहती है, दावलो कॉन्टिनेंट में कुछ ऐसे भी सोल मास्टर्स थे जिनके पास 10 सोल रिंग्स थी, और ये सभी इन्फॉर्मेशन हमारी श्रेक एकेडमी की सीक्रेट प्लेस में मेंशन है। जब सभी स्टूडेंट्स 10 सोल रिंग का नाम सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और इस समय हमें सभी स्टूडेंट्स के चेहरे पर काफी ज्यादा फियर को नोटिस कर पाते हैं। फिर उसके बाद टीचर जुई कहती है, किसी भी सोल मास्टर के पास 10 सोल रिंग होना मतलब किसी गॉड के बराबर है। हमारे श्रेक एकेडमी के रिकॉर्ड्स में काफी ज्यादा सोल मास्टर के बारे में बताया गया है जिनके पास 10 सोल रिंग्स है, और उन सभी सोल मास्टर्स को गॉड रैंक पावर हाउस कहते हैं, और उन सभी में एक पर्सन है जिसके बारे में मैंने कुछ देर पहले बात की, जो कि तांग्स क्लैन का फाउंडर एंड फर्स्ट हेड है, और जिसके पास ट्विन मार्शल सोल है। उसकी फर्स्ट मार्शल सोल यानी ब्लू सिल्वर एम्परर में 10 सोल रिंग्स थी, और हमारे श्रेक एकेडमी के रिकॉर्ड्स में मेंशन किया गया है कि किसी भी सोल मास्टर की 10th सोल रिंग को गॉड सोल रिंग कहा जाता है। फिर उसके बाद हमें युहाओ को दिखाया जाता है, जो टीचर जुई से कहता है, टीचर जुई आखिर गॉड रैंक सोल रिंग का कलर क्या है। जब टीचर युहाओ की ये बात सुनती है तब टीचर उसके जवाब में युहाओ से कहती है, युहाओ मुझे भी इसके बारे में मालूम नहीं है। फिर टीचर आगे कहती है, हमारे श्रेक एकेडमी के डॉक्यूमेंट्स के अनुसार हमारे एंसिस्टर तांसेन की फर्स्ट मार्शल सोल यानी ब्लू सिल्वर एम्परर की 9th सोल रिंग ब्लूइश गोल्ड कलर की थी, और उनकी सेकेंड मार्शल सोल यानी क्लियर स्काई हैमर की 9th सोल रिंग डार्क गोल्ड कलर की थी। मेरे ख्याल से उनकी ये दोनों ही सोल रिंग गॉड रैंक सोल रिंग्स थी। फिर उसके बाद टीचर जुई आगे कहती है, गॉड रैंक सोल रिंग्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स एंड उनकी यूनिक एपीरियंस होती है। फिर हमें वांगडोंग को दिखाया जाता है, जो टीचर जुई के बात सुनकर टीचर जुई से कहती है, टीचर जुई आपने कुछ देर पहले कहा था 10th सोल रिंग को गॉड रैंक सोल रिंग कहते हैं, पर एंसिस्टर तांसेन की 9th सोल रिंग कैसे गॉड रैंक सोल रिंग हो सकती है। वांगडोंग की यह बात सुनकर टीचर जुई स्माइल कर वांगडोंग से कहती है, मैं आप तुम सभी को दावलो कॉन्टिनेंट के उस टाइम के लेजेंडरी सोल बीस्ट के बारे में बताती हूँ। फिर टीचर जुई आगे कहती है, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में श्रेक एकेडमी में काफी ज्यादा कम लोगों को पता है, इवन की टीचर्स को भी इसके बारे में पता नहीं है, ये काफी ज्यादा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। फिर टीचर जोई आगे कहती है, मैं तुम्हें जिस लेजेंडरी सोल बीस्ट के बारे में बताने वाली हूँ उसका नाम डीप सी डेविल वेल किंग है, और जिसकी कल्टीवेशन 1,00,000 साल से भी ज्यादा है। फिर टीचर जोई कहती है, हमारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में इससे रिलेटेड काफी ज्यादा अलग अलग चीजें मेंशन की गई है, जिनमें से हमारे एंसिस्टर तांगसेन ने जब डीप सी डेविल वेल किंग की सोल रिंग को एब्जॉर्ब किया
था तब डीप सी डेविल वेल किंग की एनर्जी एनसिस्टर तांगसेन के बॉडी के साथ फ्यूज हो गई थी और जिसकी वजह से उनकी सोल्डरिंग डार्क गोल्ड कलर की सोल्डरिंग में कन्वर्ट हो गई और जो आगे जाके एक गॉड रैंक सोल्डरिंग बन गई। फिर टीचर जुई आगे कहती है जब एनसिस्टर तांगसेन ने डीप सी डेविल वेल किंग की पावर को एब्जॉर्ब किया था तब उस टाइम पर एनसिस्टर तांगसेन ने उनका ब्रेक थ्रू कर लिया था, मतलब उस टाइम पर एनसिस्टर तांगसेन लेवल 100 को ब्रेक थ्रू कर लिया था और एनसिस्टर तांगसेन एक गॉड बन गए थे। फिर उसके बाद हमें युहाव को दिखाया जाता है। जब युहाव एनसिस्टर तांगसेन की गॉड रैंक सोल्डरिंग की बात सुनता है तब युहाव की पूरी बॉडी कांप जाती है। फिर उसके बाद युहाव अपने मन में सोचता है आखिर उस टाइम पर भी 10 लाख साल ओल्ड सोल बीच कॉन्टिनेंट में थे। फिर उसके बाद युहाव कहता है टीचर जुई क्या सच में डीप सी डेविल वेल किंग एम्परर ने 10 लाख ईयर्स की कल्टिवेशन का ब्रेक थ्रू कर लिया था। युहाव की यह बात सुनकर टीचर जुई कहती है मुझे भी इस बारे में पूरी तरह से नहीं पता। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इसकी आगे की स्टोरी जाननी है तो प्लीज इस वीडियो पर 200 लाइक्स करवा दो। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोलैंड की वीडियो के साथ।